हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एडवर्ब पढ़ाने जा रहा हूं। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? जैसा कि इसका नाम ही है, एडवर्ब मीन्स जो वर्ब को ऐड करता है, मतलब जो वर्ब के बारे में हमें बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं होता, एडवर्ब और भी फंक्शन करता है। देखते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज ए वर्ब। एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है। एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। अनादर एडवर्ब और दूसरा जो एडवर्ब है उसको भी क्वालिफाई करता है। और इवन अ होल सेंटेंस और कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब का मतलब क्या हो गया? जो वर्ब के बारे में बताए, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में और पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करे, उसको बोलते हैं हम लोग एडवर्ब। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे कि एडवर्ब किस तरह से वर्ब को मॉडिफाई करता है। कुछ एग्जाम्पल्स है, उनके आप उनके थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ही रन्स, वह दौड़ता है। अब यहां पर रन क्या है? ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ही रन्स क्विकली, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? क्विकली मतलब फास्ट दौड़ता है। तो ये क्विकली है, ये एडवर्ब है, जिसको जो किसको क्वालिफाई कर रही है? वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। और वर्ब क्या है यहां पर? रन। ठीक है, सी स्पोक सॉफ्टली। ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटिफुली। ही ईट्स चॉकलेट, ही ईट चॉकलेट्स ग्रीडिली। अब ये क्विकली, सॉफ्टली, ब्यूटिफुली, ग्रीडिली, ये जितने भी एडवर्ब है वो वर्ब को क्या कर रही है? क्वालिफाई कर रही है, वर्ब के बारे में हमें बता रही है। ठीक है, और भी सिंपल तरीका है, आप हाउ से क्वेश्चन करो और जो उसका आंसर होगा वो जनरली एडवर्ब होता है। जैसे मैं बोलू ही रन, हाउ डज ही रन, वो कैसे दौड़ता है? आंसर होगा क्विकली। तो क्विकली क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब को फाइंड आउट करने का एक सिंपल तरीका है, आप हाउ से क्वेश्चन करो और उसका जो आंसर होगा वो एडवर्ब होगा। ठीक है, एडवर्ब वो मैनर होगा। बहुत सारी एडवर्ब होती है, मैं बताऊंगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एडवर्ब होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करता है, मतलब कि वो एडजेक्टिव के बारे में हमें कैसे बताते हैं। द वुमन इज प्रिटी, द वुमन इज क्वाइट प्रिटी। अब देखो, द वुमन इज प्रिटी, प्रिटी क्या है? एडजेक्टिव है। यहां पर प्रिटी क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन द वुमन इज क्वाइट प्रिटी, तो ये क्वाइट है, ये एडवर्ब है, जो किसके बारे में बता रही है? प्रिटी, एडजेक्टिव के बारे में हमें बता रही है कि वो वुमन सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है, क्वाइट बिल्कुल सुंदर है। ठीक है, द बुक इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या? एडजेक्टिव है। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? इंटरेस्टिंग को। इंटरेस्टिंग क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब क्या है कि एडवर्ब वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, मतलब एडजेक्टिव के बारे में भी बताते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एडजेक्टिव वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। द वेदर रिपोर्ट इज राइट, अभी राइट क्या है? एडजेक्टिव है। द वेदर रिपोर्ट इज ऑलमोस्ट राइट, अभी ऑलमोस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? राइट को। और राइट क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब जो वेदर रिपोर्ट है लगभग ठीक है। ऑलमोस्ट यहां पर क्या है? एडवर्ब है, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या है यहां पर? राइट। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हमने देखा। अब देखते हैं थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या होता है एडवर्ब का? कि एडवर्ब दूसरी एडवर्ब है उसको क्वालिफाई करती है, मतलब एडवर्ब एडवर्ब के बारे में भी बताती है। ठीक है, उसको भी क्वालिफाई, उसको भी मॉडिफाई करती है। देखते हैं इन एग्जांपल्स के थ्रू। सी रन्स फास्ट, अभी फास्ट क्या है? एडवर्ब है, जो किसके बारे में बता रही है? रन के बारे में। रन क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? फास्ट। सी रन्स वेरी फास्ट, अब देखिएगा यहां पर फास्ट है, ये ऑलरेडी एडवर्ब है, और वेरी है, ये भी एडवर्ब है, दौड़ता है, तेज दौड़ता है, लेकिन तेज में भी क्या है? बहुत तेज दौड़ता है। तो वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? फास्ट को। और फास्ट क्या है? एडवर्ब है। तो यहां पर दो एडवर्ब हो गए, वेरी और फास्ट। ही सिंग्स लाउडली, लाउडली क्या है? एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब? क्योंकि ये सिंग के बारे में हमें बता रहा है कि वो गाता है, लेकिन कैसे गाता है? लाउडली गाता है, जोर से गाता है। देखिएगा, ही सिंग्स टू लाउडली, और वो गाता है, जोर से गाता है, लेकिन वह भी बहुत जोर से गाता है। सिंग्स टू लाउडली मतलब बहुत ही ज्यादा जोर से गाता है। तो ये जो टू है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? लाउडली को, मतलब एक एडवर्ब वो दूसरी एडवर्ब को यहां पर क्वालिफाई
क्वालिफाई कर रही है। सी ड्राइव स्लोली, ये स्लोली क्या है, ये एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि ड्राइव के बारे में हमें बता रही है। सी ड्राइव इनक्रेडिबली स्लोली, इनक्रेडिबली क्या है, ये एडवर्ब है और स्लोली ये भी एडवर्ब है, क्यों है, क्योंकि इनक्रेडिबली स्लोली को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन काम, इसके मेन जो काम है वो तीन है, कौन कौन से है, कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई, दूसरा काम क्या है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, और थर्ड जो काम है वो है एडवर्ब एडवर्ब को ही क्वालिफाई करने का, ठीक है। अब एक और है इसका काम, वो ये है कि पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं, पूरे सेंटेंस के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं। आई गोट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्चुनेटली कोमा, आई गोट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम, अब ये फॉर्चुनेटली है, ये एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली आई गोट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम। लेकिन याद रखिएगा कि एडवर्ब के बाद में हमें कोमा लगाना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि एडवर्ब कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है। आई कांट नो एवरीथिंग, ऑब्वियसली कोमा, आई कांट नो एवरीथिंग, अब ये क्या है, ऑब्वियसली ये एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। अब यहां पर हमें एक और बात समझनी है, जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि एडवर्ब के बाद में जब भी कोई एडवर्ब हमें बनाना हो तो उसमें एलवाई जोड़ दो लास्ट में, ऐसा नहीं होता, हर वर्ड जिसमें एलवाई जुड़ा हुआ है वो एडवर्ब नहीं होती है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जनरली एडवर्ब टेक्स एलवाई, ओके, सफिक्स के रूप में वो एलवाई लेती है एडवर्ब, लेकिन बहुत सारे इसके एक्सेप्शंस भी हैं, अब देखते हैं वो एक्सेप्शंस कौन से हैं। स्लोली, इमीडिएटली, लाउडली, क्विकली, हैप्पीली, ये सब के सब एडवर्ब है, ठीक है, अधिकतर जो एडवर्ब है वो अपने पीछे एलवाई लेती है, नो डाउट, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, क्या है देखते हैं हम लोग। फास्ट, अब फास्टली नहीं होता कभी भी, बहुत बच्चे बोलते हैं फास्टली, कम फास्टली, कम फास्टली, गो फास्टली, फास्टली नहीं होता है, सिर्फ फास्ट होता है, क्योंकि आदत हो रही है उनको, वो सोचते हैं कि एलवाई लगाएंगे तभी एडवर्ब होगी। वेल, आई एम क्वाइट वेल, अभी वेल क्या है, ये एडवर्ब है, जबकि यहाँ पर एलवाई नहीं जुड़ा हुआ लेकिन फिर भी ये एडवर्ब है। ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, वेरी, नेवर, ऑफन, ये सब के सब क्या है, ये एडवर्ब है जबकि इनके पीछे एलवाई नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से इस बात को हटा दीजिएगा कि जिस वर्ड में एलवाई लगा हुआ है लास्ट में सफिक्स के रूप में वो एडवर्ब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। तो ये मेरा एडवर्ब का छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं ये और कहता हूं कि एक्सरसाइज करो, आप जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।